हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित डागर और हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर की भर्ती आ चुकी है, जो कि फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में है इसका सेंटर। इसका मेरे पास ओरिजिनल चार्ट आ चुका है। ये दोस्तों रिलेशन और स्पोर्ट्समैन की भर्ती इसमें होने वाली है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देख लेना है। और इस वीडियो को भाई लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस वीडियो में एम रखते हैं लाइक का भाई 300 लाइक का, तो प्लीज़ 300 लाइक कर देना, मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे। अगर आपको चार्ट कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप यहां पे फॉलो कर लेना। वीडियो आने से पहले मैं यहां पे चार्ट अपलोड कर देता हूं, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। तो आप मेरे इंस्टाग्राम से अपडेट लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप टाइम से पहले अपडेट हो जाते हो। और यहां पे मेरे फैमिली बढ़ती जा रही है इंस्टाग्राम आईडी पर भी, तो यहां से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहां पे चार्ट मैं दिखा देता हूं, तो चार्ट इस टाइप का हमारे सामने निकल के आया भाई सेंटर की तरफ से, जो कि आप देख सकते हो। और ऊपर यहाँ पे लिखा सेना में भर्ती सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, और यहाँ पे जैसे कि आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में 9 से 11 नवंबर के बीच में भर्ती होने वाली है भाई, ठीक है। और बात कर लें भाई इसमें इस ब्रदर और क्या कहते हैं आपके फादर रिलेशन वालों के साथ साथ यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन वाले भी भाग ले सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पे भाई सैनिक जीडी की भर्ती जो होगी वो 9 नवंबर को होगी भाई, ठीक है। सैनिक ट्रेडमैन की जो भर्ती होगी 10 नवंबर को होगी, और स्पोर्ट्समैन की भर्ती होगी वो 11 नवंबर को होगी। 9 को होगी भाई जीडी की, 10 को होगी ट्रेडमैन की, 11 को होगी स्पोर्ट्समैन की। ध्यान से सुन लेना, वीडियो को बैक करके फिर से सुन लेना भाई, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पे कौन से स्टेट के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जीडी में, तो यहाँ पे सबसे पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के रेजिमेंट क्लास कंपोजिशन के उम्मीदवार ही इसमें भाग ले सकते हैं। सिपाही ट्रेडमैन में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सभी जाति के भाग ले सकते हैं उम्मीदवार, सभी कास्ट के यहाँ पर उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। और बात कर लें भाई यहाँ पर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप यहां पे पढ़ सकते हो, और यहां पे बताया हुआ कि स्पोर्ट्समैन वालों के लिए भाई जैसे कि आप देख सकते हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नहीं चलेगा भाई, ठीक है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं जो कि नीचे दी हुई है कट ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, तो आप देख लेना जीडी और ट्रेडमैन के लिए भाई, ठीक है। और बात नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोरोना रिपोर्ट लेके जानी है या नहीं, और पूरा अदर डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चार्ट आ चुका है, इस चार्ट को आप मेरे इंस्टाग्राम से ले लेना और वहीं आपको ये डाउनलोड भी हो जाएगा भाई, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना, लाइक कर देना भाई इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।